हेलो गाइस, मैं हेमो सिबुल। आप लोग देख रहे हैं मेरा आपका यूट्यूब चैनल जुगंधर। इस वीडियो में बताऊंगा कतर का वीसा का अपडेट के बारे में। बहुत सारे व्यूअर्स बार बार कमेंट कर रहे हैं कि कतर का विजिट वीसा मिल रहा है कि नहीं, और विजिट वीसा मिल रहा है तो विजिट वीसा जाना सही होगा, जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकते हैं। क्या आप एम्प्लॉयमेंट वीसा मिल रहा है कि एम्प्लॉयमेंट वीसा नहीं मिल रहा है, और कतर का जो फ्लाइट है इंडिया से कतर का जो फ्लाइट है चल रहा है कि नहीं चल रहा है, होटल क्वारंट का जो लास्ट अपडेट के बारे में बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो देखते रहे। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप लोग को छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे कमेंट कर रहे हैं क्या कतर का जो विजिट वीसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखिए, कतर का विजिट वीसा मिल रहा है, बहुत सारे दोस्त को कतर का विजिट वीसा मिल गया है और विजिट वीसा में ट्रेवल भी कर रहे हैं, कतर में पहुंच भी गया है। अरे ऐसा भी आदमी है जो लोग कतर में ऑलरेडी विजिट वीसा में चला गया है, विजिट वीसा जाने के बाद होटल क्वारंटाइन उन लोग को खत्म हो गया, अभी कंपनी में ज्वाइन किया है। 2 साल के लिए वर्क वीसा भी चालू है, तो वर्क वीसा अगर आपको कंपनी दे रहे हैं तो वर्क वीसा आपको लेना चाहिए, वर्क वीसा में जाना सही होगा। वर्क वीसा में आपको जाने के बाद ही तुरंत काम मिलेगा, लेकिन विजिट वीसा में जाएंगे तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकते हैं, और कंपनी चाहेंगे तो बिजनेस वीसा में लेके जा सकते हैं। इस पे कोई डाउट नहीं, अगर बिजनेस वीसा जाए क्या बिजनेस वीसा में जाए, क्या आप एम्प्लॉयमेंट वीसा जाए कि वर्क वीसा में जाए, किसी भी वीसा को मिल रहा है तो जा सकते हैं, लेकिन कंपनी सही होना चाहिए। अगर कंपनी सही है और जिस ऑफिस का माध्यम से जा रहे हो ऑफिस भी सही है, जेन्युइन ऑफिस है, तो आप जा सकते हैं। अगर अच्छा कंसल्टेंसी ऑफिस का माध्यम से जाएंगे और अच्छा कंपनी में जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप बिजनेस वीसा में जाए कि बिजनेस वीसा में जाए कि एम्प्लॉयमेंट वीसा में जाए, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मुश्किल नहीं होगा। और जो कतर का आप जो लास्ट अपडेट है जो होटल क्वारंट के लिए, 1 महीना पहले 7 दिन था, अभी 14 दिन कर दिया है, तो होटल क्वारंट में आपको 14 दिन रहना पड़ेगा। इंडिया से बांग्लादेश के पाकिस्तान से जा रहे हैं तो होटल क्वारंट में आप 14 दिन ही रहना पड़ेगा। उसका जो खर्चा है वो सारी कंपनी आधा भी दे रहे हैं, और बहुत सारे ऐसा भी कंपनी है पूरा पे कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर कंपनी थोड़ा सा भी पे नहीं कर रहे। तो अगर आप कतर में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, किसी भी वीसा में जा सकते हैं, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। होटल क्वार्टर में रहेंगे तो उस टाइम में आपको फ्री वाईफाई भी मिलेगा, इन टाइम खाना भी मिलेगा, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे आप कंपनी में जाएंगे, कंपनी जाने के बाद वाईफाई मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बोल नहीं सकते, लेकिन आपको होटल क्वार्टर में आप जितना दिन रहेंगे वो 14 दिन आपको वाईफाई मिलेगा। कतर में जैसे एंट्री करेंगे तो आप वो यात्रा जो है पहले आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास सिम नहीं है, आप जैसे मुंबई से जाएंगे दिल्ली से जाएंगे तो दिल्ली में आपको सिम मिल जाएगा, वोडाफोन के ऑर्डर सिम दोनों से एक सिम मिल जाएगा, पहले आप कलेक्ट कर लीजिए। तो उसके लिए आपको जाने के बाद ही आपको सिम ढूंढना ही पड़ेगा। इंडिया से कतर का जो फ्लाइट है बंद है क्या चालू है? देखिए भाई, अभी पूरा चालू है, हर दिन फ्लाइट है, आप देख सकते हैं आने जाने का हर दिन फ्लाइट चालू है। आप मुंबई से जाए कि दिल्ली से जाए, दिल्ली से डायरेक्ट दोहा भी है और मुंबई से डायरेक्ट दोहा भी फ्लाइट चल रहे हैं, तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल की तरह ही फ्लाइट चल रहे हैं। पहले बहुत सारे फ्लाइट था, अभी थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि अभी जब ट्रेवल भी बहुत सारे आदमी कम कर रहे हैं, बहुत वीसा भी कम मिल रहे हैं, इसीलिए अब फ्लाइट भी कम कर दिया गया, फ्लाइट भी कम चल रहे हैं, तो इसके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नॉर्मल की तरह ही फ्लाइट चल रहे हैं, उसके लिए आपको मुश्किल नहीं होगा। अगर कतर का किसी भी वीसा मिल गया है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, जा सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल नहीं होगा। 48 आवर्स के अंदर ही आपको कोरोना टेस्ट करना पड़ता था, लेकिन अभी जो नियम है अगर आप टेस्ट करके नहीं जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, जा सकते हैं। एयरपोर्ट में बहुत सारे आपको चेक होगा, प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो प्रॉब्लम आएंगे तो मुश्किल हो सकते हैं शायद, तो फिर भी अगर आप टेस्ट करके जाएंगे तो अच्छा है, टेस्ट करके नहीं जाएंगे फिर भी जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को थोड़ा समझ गया होगा, यार ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा, थोड़ा सा हेल्पफुल होगा, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस करके रखिए, इसी तरह हेल्पफुल वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।